गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। 23 अप्रैल 2020 के इम्पॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर लेके हाजिर हूं मैं आपके आगे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दुनिया भर में कोरोना वायरस के लेटेस्ट केस कितने हैं वो जान लेते हैं पहले। कोरोना वायरस के लेटेस्ट केस है 26,29,378 केस और मरने वालों की संख्या है 1,83,520 और ठीक होने वालों की संख्या 7,16,580 है। यही आंकड़ा दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो है वो अमेरिका के पास में है। लगभग 8.5 लाख केस होने वाले हैं यहाँ पे। और टॉप 10 कंट्रीज में जो है वो अभी तक चाइना शामिल है, 9वें स्थान पे आ रहा है और 10वें पे रशिया आ रहा है। और हमारे प्यारे भारत की स्थिति है 21,370 केस है इंडिया के अंदर और मरने वालों की संख्या जो है वो 681 है और एक नंबर पे महाराष्ट्र, 2 पे गुजरात और 3 पे दिल्ली है। हमारे प्यारे हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर टोटल 264 केस है, 9 नए केस आए हैं और 3 ही लोग अभी तक मरने वाले हैं, 11 लोग ठीक भी हुए हैं, 158 लोग टोटल ठीक हो चुके हैं। 9 नए केस में 4 गुरुग्राम में आए हैं, 4 सोनीपत में आए हैं और 1 अंबाला के अंदर आया है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने चीन की कंपनियों के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। तो अभी हाल ही में चीन की कंपनियों के टेस्टिंग के किट जो है, टेस्टिंग किट के ऑर्डर जो है वो रद्द किए हैं हमारे हरियाणा ने ही। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा ने तकरीबन 1 लाख रैपिड टेस्ट किट को जो है रद्द कर दिया। इसका रद्द करने का एक सबसे बड़ा रीजन तो है कि इनका रेट जो है बहुत ज्यादा था, और उससे भी बड़ा रीजन है इनका एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। अब सर ये एक्यूरेसी का मतलब क्या है, देखिएगा किसी भी किट का एक्यूरेसी होना चाहिए तकरीबन 99%। 99% का मतलब ये है कि इसे मान लेते हैं कि 100 लोगों के अंदर से 100 लोगों को जो है टेस्ट किया, जिसमें से 99% उन्होंने ठीक बताया और एक लोग जो है, 99 लोगों को तो टेस्ट ठीक कर दिया लेकिन एक व्यक्ति का टेस्ट जो है वो गड़बड़ कर दिया। तो एक व्यक्ति का टेस्ट गड़बड़ कर दिया और चलेगा, लेकिन इनकी एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन 65% या 70% थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इतनी एक्यूरेसी खराब होने के कारण ही इनको जो है वो वापस किया। हालांकि हमारे हरियाणा ने किया, काफी सारे देशों ने, स्पेन ने भी ऐसा किया, यूके ने भी ऐसा किया है, ऐसी घोषणा की है अनिल विज ने। और कंपनियों के ऑर्डर रद्द करके साउथ कोरिया की कंपनी को ऑर्डर दिए हैं। साउथ कोरिया की टेस्टिंग किट जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट बताई जा रही है। हरियाणा को मैप में देख लीजिएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल का नाम सत्य नारायण आर्य है, सत्यदेव नारायण आर्य, और जनसंख्या 2.54 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार, और मुख्यमंत्री तो श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में पार्ले कंपनी ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में कितने रुपए का सहयोग किया है। तो अभी हाल ही में पार्ले जी कंपनी ने जो है ये 1,63,000 रुपए का जो है वो घोषणा की है कोरोना रिलीफ फंड के अंदर। छोटे होते ये बिस्किट तो आपने खाए होंगे, हालांकि अभी भी मेरा तो पार्ले जी फेवरेट ही है। और इसकी स्थापना पार्ले जी की हुई थी 1929 के अंदर, हेडक्वार्टर मुंबई में है और फाउंडर का नाम है मोहन दयाल चौहान। ये मोहनलाल दयाल चौहान इनका पूरा नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोविड-19 के चलते अब हरियाणा विधानसभा में किसकी शुरुआत की जाएगी। तो कोविड-19 के चलते अभी हरियाणा विधानसभा में कंट्रोल रूम की जो है वो शुरुआत की जाएगी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इस कंट्रोल रूम का मतलब ये है कि हरियाणा विधानसभा में ये कंट्रोल रूम बन जाएगा तो किसी भी दूसरे राज्य के अंदर, जैसे विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के जरिए किसी भी दूसरे राज्य में उनके विधानसभा अध्यक्ष के साथ में बातचीत की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे चलने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो आने जाने में दिक्कतें हैं, इस करके कोरोना वायरस के को थोड़ा सा रास्ता सुगम बना दिया है। मैं कहूंगा कोरोना वायरस आने की वजह से दुनिया में बहुत सारी जो है वो लोगों ने रास्ते खोज लिए हैं, जो कि एक अच्छा कदम है। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना 1966 में हुई थी, जब हरियाणा बना था। हाल ही में हरियाणा सरकार ने HCS अफसरों के लिए अप्रेजल रिपोर्ट भरने की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया है।
तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने HCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस की अप्रेजल रिपोर्ट भरने की समय सीमा को जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया है, 30 जून तक कर दिया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। क्या होती है अप्रेजल रिपोर्ट? अप्रेजल रिपोर्ट का मतलब है कि HCS अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट की पहले जो टाइम था वो 30 अप्रैल था, लेकिन अब बढ़ा के जो है वो 30 जून तक कर दिया है। और रिपोर्टिंग अथॉरिटी 31 जुलाई, समीक्षा प्राधिकरण का 31 अगस्त और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का 30 सितंबर तक जो है वो अप्रेजल कर सकते हैं, यानी कि अपनी रिपोर्ट को दे सकते हैं। हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में कौन सा जिला सबसे पीछे है? तो देखिएगा, जिस जिले में कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा है उसी जिले के अंदर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को सबसे कम डाउनलोड किया है, यानी कि नूह वो जिला है जिसका पुराना नाम मेवात हुआ करता था। नूह के अंदर सबसे कम जो है वो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अपना हिसार पांचवें स्थान पे है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताइएगा कि इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा किस जिले ने डाउनलोड किया है। थोड़ा समय पहले मैंने पढ़ाया था आपको तो याद रहा होगा। और मुझे कमेंट में ये भी लिख के बताइएगा कि अब तक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को जो है वो भारत भर में कितने करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। बात नूह की करते हैं तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। ये मैप में आपको नजर आ रहा होगा। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम मेवात से नूह कर दिया गया था। और प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला भी यही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला भी नूह ही है। प्रसिद्ध मेलों में एक रावण का मेला पुनहाना में लगता है, झूलती मीनारें, कंट्री क्लब ये पर्यटन स्थल है, कोटला झील, गांधी पार्क, छुईमुई का तालाब, शेख मूसा की मजार जो है वो भी मेवात के अंदर ही है या नूह के अंदर है। एक नदी है इंदौरी नदी, वो भी मेवात के पहाड़ियों से ही निकलती है, तो आप उसे भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में पहली बार किस जिले में टेलीफोनिक सर्वे किया गया है? तो टेलीफोनिक सर्वे अभी हाल ही में रोहतक में किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। रोहतक में ये टेलीफोनिक सर्वे किया गया है, 100 लोगों पे जो है किया है। और 100 लोगों में से क्या है कि उनसे पूछा गया कि आप कोरोना के बारे में क्या सोचते हैं, तो कुछ भाई साहब ने तो यही कहा कि दारू पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। है ठीक है, बेवड़े हैं वो, और मतलब उनकी सोच को सच में 21 तोपों की सलामी, बल्कि सामने खड़ा करके उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए ताकि चीथड़े चीथड़े उड़ जाए उनके। मतलब कैसे कैसे लॉजिक लगाए बैठे हैं, हद है ना। 27% लोगों का ये मानना है कि कोरोना का मतलब मौत। वाओ, वेरी गुड, कुछ ऐसे भी महानुभाव है। मतलब हिम्मत तो इतना जल्दी हारते हैं, डीमोटिवेट तो पूछो हिम्मत चलते चलते हो जाते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि गर्म पानी पीने से कोरोना से बचाव होगा। चलो, मतलब ये भी एटलीस्ट कुछ तो ठीक ही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि शराब पीने से इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो ऐसी अफवाहों से बचे। तो ये मेरा भी आपसे कहना है कि इन ऐसी अफवाहों पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अच्छा, जिस कॉलेज ने किया है उस कॉलेज का नाम है PGIMS रोहतक, और ये कॉलेज की स्थापना हुई थी 1960 को, और इनके डीन का नाम है डॉक्टर विकास कुमार। बात रोहतक की हो रही है तो रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम है हरियाणा की सुगर सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी और एजुकेशन हब के नाम से इसे रोहतक को पुकारते हैं। बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तर बोहर में, बाबा जमुनादास का मेला भलोट में। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पादन, एशियन पेंट और चीनी उत्पादन उद्योग जो है वो रोहतक के प्रसिद्ध उद्योगों में शामिल है। हाल ही में बच्चों में तनाव को कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए काउंसलर डिपार्टमेंट को जो है वो नियुक्त किया है। ए ऑप्शन सही है। एक हेल्पलाइन नंबर होगा और वो जो है सुबह 8 बजे से लेके और 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 से 4 बजे तक कॉल पे जितनी भी समस्या होगी शिक्षा से रिलेटेड बच्चों की, उनको जो है वो दूर करेगा। हाल ही में प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट कितना प्रतिशत है? तो हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है कोरोना का रिकवरी रेट है 57%, 57%। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पूरे भारत में जो है वो 16% है रिकवरी रेट। ये बात बताइए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने, यानी कि पूरे भारत में 100 मरीजों पे 16 व्यक्ति ठीक हो रहे हैं, हरियाणा में 100 मरीजों पे 57 लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। हरियाणा में कोरोना से मृत्यु दर है 0.79% और जबकि बाकी पूरे देश के अंदर 3.15% है मृत्यु दर।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने रुपए का जीवन बीमा देने की घोषणा की है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए के जीवन बीमा देने की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही है। किनको देगा हरियाणा सरकार? ये फसल खरीद कार्य में शामिल सभी किसान, आढ़ती, मजदूर और सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा देने की घोषणा की है। 30 जून 2020 तक 10-10 लाख के जीवन बीमा कवर के दायरे में आ जाएंगे, जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये बीमा रिकवर हो जाएगा। लॉकडाउन में हरियाणा की बिजली वितरण निगमों को अभी तक कितने रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है? तो लॉकडाउन के अंदर अभी तक बिजली वितरण निगमों को जो है वो 433 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है, क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो बंद है, इस करके प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होता हूँ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और आप मुझे बता दीजिएगा क्या ये सीरीज आपको पसंद आ रही है ना। ठीक है, चलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू प्यारे बच्चों।